बारिश के कारण आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। दरअसल वाराणसी में गंगा का जल स्तर पूरे उफान पर है। प्रशासन ने फिलहाल एहतियात के तौर पर गंगा में सभी किस्म के नौका संचालन पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि बाढ़ और तेज हवाओं के कारण गंगा में सभी तरह की नाव और मोटरबोट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब तेज हवाओं की वजह से गंगा में सभी प्रकार की नावों का संचालन रोक दिया गया है। छोटी बड़ी सभी प्रकार की नावों के साथ ही मोटरबोट स्टीमर का संचालन भी रोक दिया गया है। घाटों पर लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। दशाश्वमेध घाट से लाउड स्पीकर के जरिए श्रावण मास में घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने की हिदायत दी जा रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव फिलहाल 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नित्य सांध्य आरती अब तय स्थल से 10 फीट पीछे हो रही है। वहीं कुछ घाटों के बीच का संपर्क भी बाढ़ के पानी के चलते टूट गया है। इस कड़ी में सुरक्षा के मद्देनजर आज से नौका संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। नावों के संचालन पर रोक लगाने से सबसे ज्यादा परेशानी नाविकों की रोजी रोटी पर हो रही है। वहीं गंगा घाट घूमने वाले आने वाले सैलानियों को भी बोटिंग न कर पाने की वजह से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।